तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा श्री जगन्नाथ महापुर जी दांडी श्री अभिराम जी की अरपात हो भैया नीली जैकेट आप थोड़ा सा देखो कुछ पल्ला खींच दो भाई देख लेंगे। देखिए ये इसका तो जवाब हमें देना भी नहीं है, वो तो भारत सरकार जवाब देती है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि राज्य के अंदर यूपीए कार्यकाल की एक आरटीआई में खुलासा हुआ है कि यूपीए कार्यकाल में 9000 मोबाइल फोन और 500 ईमेल ट्रैक किए जा रहे थे, हैक किए गए थे। सरकार इसे किस तरह से देखती है और क्या स्टैंड है इसको लेकर? देखिए कांग्रेस का चरित्र जो है या सदा मान करके चलिए कि कभी भी निर्मल नहीं हो सकता, झूठ बोलेंगे, फरेब करेंगे, लोगों को गलत तरीके से फंसाएंगे, दबाव डाल करके अपने समर्थन में बने रहने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे सर्वोच्च नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी के इस प्रकार के कारनामों से देश को निजात दिलाने का काम किया है और कांग्रेस इस समय इसीलिए बौखलाई हुई है कि 2019 में अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर से देश का नेतृत्व करते हैं तो कांग्रेस का पूरा सफाया हो जाएगा, इस प्रकार के कारनामों का पूरा खुलासा हो जाएगा और जो भ्रष्टाचार बड़े बड़े किए जिनके खुलासे होने शुरू हो गए हैं उनमें उन्हीं के पार्टी के बड़े बड़े नेता दंडित हो जाएंगे। सर केंद्र सरकार एक बार हुई और उत्तर प्रदेश में भी महागठबंधन की सुगबुहाट है, भाजपा की राह कितनी मुश्किल होने वाली? 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है। केंद्र सरकार ने 10 जांच एजेंसियों को देश के सभी कंप्यूटर की निगरानी करने का जो है अधिकार दे दिया है, इसको किस तरह और विपक्षी पार्टी ये कह रहे हैं कि ये जो है निष्ठा का हनन है, किस तरह से देखिए? कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में 2009 में यह संसद में विषय लाया गया था और देश की सुरक्षा से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के विषय को सरकार को जानने का हक है। ये कोई निजता के अधिकार पर हमला करना यह उद्देश्य नहीं है, बल्कि उद्देश्य यह है कि हम देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो आवश्यक कदम है वो एजेंसियां उठाएंगी, बड़ी एजेंसियां उठाएंगी। सर आपकी सरकार में गड्ढा मुक्ति अभियान के लिए काफी जोर दिया गया था, अभी भी गड्ढे नहीं भरे हैं, स्थिति वैसे ही है। गड्ढे ऐसा हम नहीं कहते हैं कि हमने 100% गड्ढे भर दिए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के समय के जो पाप के गड्ढे थे उसमें से कितने खत्म कर दिए। अगर आप उस ओर नजर डालेंगे तो आपको ये ध्यान में आएगा कि हम आपको जल्दी खबर कवर करने के लिए इतनी अच्छी सड़कें बना करके दिए हैं कि आपको हमारा धन्यवाद करना चाहिए। बाढ़ के कामों, बाढ़ की यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, उस पे सड़कें खराब होती हैं, उसकी मरम्मत के लिए बजट नहीं होता अधिकारियों के पास और यहाँ के दो दो अधिशासी अभियंताओं ने अपने बंगलों पर, सरकारी बंगलों पर 25-25 लाख रुपया खर्च किया है, वो कहाँ से आखिर खर्च हो गया? किस मद का पैसा है, बजट होता है और बजट में किस मद में कौन सा पैसा खर्चा होना चाहिए वो निर्धारित रहता है और जहां बाढ़ के कारण सड़कें खराब होती हैं उसके लिए बजट पैसे की कोई कमी नहीं है। आप अभी एक जांच करा रहे हैं कि व्यवर्तन की पिछले 3 वर्षों की, इसकी अवधि आप 7 साल क्यों नहीं करते? हम दिखा लेंगे उसको ताकि जो बड़े लोग अब पहुंच गए वो भी तो देखें।